नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। लोकसभा चुनाव पूरे परवान पर चल चुका है, 5 चरण पूरे हो चुके हैं और देश के अंदर नई परिस्थितियां बन रही हैं। समझा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बड़ी लीड लेकर के आगे बढ़ रहा है। इस मसले पर देश के राजनीतिक परिदृश्य की परिचर्चा करने के लिए डीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया, तो आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं ये परिचर्चा। साभार, और कल इसी वक्त जब हम आपसे फिर मिलेंगे इसी चर्चा में, तो चुनाव खत्म हो चुके होंगे और चर्चा एग्जिट पोल की हो रही होगी। चुनाव खत्म होने से पहले मोदी तो मौन धारण करके ध्यान करने के लिए कन्याकुमारी चले गए हैं, और वहीं कांग्रेस का बड़ा प्लान सामने आया है जिससे मोदी का मौन और ध्यान दोनों भंग हो सकते हैं। दरअसल कांग्रेस ने तय किया है कि कल चुनाव खत्म होने के बाद टीवी चैनलों पर आने वाले एग्जिट पोल में जो चर्चा होगी एग्जिट पोल की, उसमें कांग्रेस पार्टी भाग नहीं लेगी। कांग्रेस के मुताबिक एग्जिट पोल के जरिए सट्टा बाजार को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है और इसीलिए पार्टी 4 जून का इंतजार करेगी जब नतीजे घोषित होंगे, यानी एग्जिट पोल की जगह कांग्रेस एग्जैक्ट पोल या एग्जैक्ट नतीजों का इंतजार करेगी, उसी पर बात करना कांग्रेस चाहेगी। और इन नतीजों से पहले ही कांग्रेस ने आज यह भी बता दिया है कि 4 तारीख को निर्णायक नतीजे आने वाले हैं जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आज कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या कुछ कहा है जयराम रमेश ने, आइए जरा पहले उसको सुन लेते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। और जयराम रमेश ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, न सिर्फ जयराम रमेश थे बल्कि वहां पर सुप्रिया सुरनेत भी थी और पवन खेड़ा भी थे, इन तीनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें कही हैं और चुनाव की गतिविधियों से लेकर चुनाव के समापन की ओर कांग्रेस की निगाहें कैसे रही हैं वो सब कुछ, और कैसे सोशल मीडिया पर कांग्रेस के बल्ले बल्ले रहे हैं वो सब भी कांग्रेस ने बताए हैं। लेकिन उसके अलावा जयराम रमेश जो बातें यहां कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सुन लेते हैं। पिछले 72 दिनों में जब से प्रधानमंत्री ने अपनी चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, पिछले 72 दिनों में हमने प्रधानमंत्री से 272 सवाल पूछे। खड़े हो जाए, ये अंग्रेजी और ये हिंदी है। और ये सवाल जब कहीं जाते थे 3 या 4 सवाल हम उनसे पूछा करते थे। तो इस रिपोर्ट का शीर्षक है 72 दिन 272 सवाल 0 जवाब भाग मोदी भाग। तो ये सारे सवाल जो हमने उठाए हैं, आखिरी सवाल जो हमने उठाया था जब प्रधानमंत्री होशियारपुर गए थे, निवर्तमान प्रधानमंत्री होशियारपुर गए थे, तो 272 सवाल हमने पूछे हैं, एक जवाब भी नहीं आया है। पर प्रधानमंत्री ने एक चीज तो नोटिस उन्होंने कर ली और उनको थोड़ा बुरा लगा कि एक सवाल के संदर्भ में हमने निवर्तमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। और उन्होंने कह दिया, देखिए अभी ये हमें निवर्तमान शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका माने ये है कि हम हार मान गए। वो गलती होगी, एक दिन एक सवाल के संदर्भ में वो निवर्तमान शब्द निकल गया, पर होशियारपुर तक हमने निवर्तमान प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो असली बात यह है कि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो ये सवाल भी आपको मिल जाएगा।
तो ये आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत सारी बातें यहां हुई हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। 272 दिनों में 272 सवाल पूछे गए हैं, निवर्तमान वर्तमान इन तमाम बातों का जिक्र यहां कर रही है कांग्रेस पार्टी। दरअसल कांग्रेस पार्टी को यकीन है कि इस बार इंडिया की सरकार बनेगी और साल 2004 में जो हुआ वो इस बार भी फिर से यानी कि रिपीट होगा। आप जानते ही हैं कि 20 साल पहले 2004 में बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था और दावा किया था कि बीजेपी सरकार फिर से रिपीट होगी, लेकिन बीजेपी हार गई 2004 में और फिर केंद्र में यूपीए की सरकार बनी थी। और इसी चीज का भरोसा इस बार कांग्रेस पार्टी को है और एक बार उसने यह भरोसा जताया भी है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि 4 जून कांग्रेस पार्टी के लिए 2004 जैसा मौका लेकर आएगा। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर जवाब देते हुए जयराम रमेश ने भी कहा कि 2004 लोकसभा चुनाव के नतीजे 13 मई को आ गए थे और 17 मई को यह साफ हो गया था कि मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री होंगे। इसी तरह इस बार भी यह फैसला होगा, लेकिन पिछली बार से थोड़ा जल्दी यह फैसला होगा, यानी हम जल्दी ही यह फैसला ले लेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आप जानते हैं कि कल जब 7वें दौर की वोटिंग होगी उसी समय उधर इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक भी दिल्ली में होने जा रही है। कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो 7वें दौर की पोलिंग होगी, इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक होगी, उधर अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट यानी लोअर कोर्ट पहुंचे हुए हैं अपनी अंतरिम जमानत को और आगे बढ़ाने के लिए, यह भी है। और साथ साथ शाम को एग्जिट पोल भी आएगा अपना, यानी डीवी लाइव का एग्जिट पोल भी कल शाम को आप लोग देखेंगे कि किसकी सरकार बन रही है, एग्जिट पोल के जरिए हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो यह सब कुछ कल होने जा रहा है, यानी गठबंधन की बैठक भी होने जा रही है दिल्ली में। और इस गठबंधन की बैठक में यह संभवतः इसी बात पर मंथन होगा कि किस तरह सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और प्रधानमंत्री पद पर किसे बैठाया जाएगा। इंडिया गठबंधन की मजबूती और कांग्रेस की इस बड़ी प्लानिंग से अब बीजेपी के होश उड़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पूरे चुनाव में बीजेपी ने बार बार कोशिश की कि किसी तरह विपक्ष उसके जाल में फंसे, किसी तरह उसके उठाए मुद्दों में उलझे, लेकिन विपक्ष ने भी इस बार अपना ध्यान भटकने नहीं दिया और न ही बीजेपी की पिच पर विपक्ष खेलने को उतरा, बल्कि बार बार मोदी राहुल गांधी के उठाए मुद्दों पर ही बात करते हुए नजर आए, चाहे आरक्षण की बात हो या संविधान की बात हो या खटाखट नौकरियों की बात हो, मोदी इंडिया गठबंधन के आगे मजबूर दिखे। विपक्ष अब भी अपना ध्यान चुनाव में गड़बड़ी की आशंका पर लगाए हुए है। कल राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सावधान रहने को कहा था और एक वीडियो जारी किया था, और इस वीडियो के जरिए उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, बब्बर शेरों को, ये शब्द राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको इस वीडियो संदेश के जरिए सावधान रहने की हिदायत दी थी। जरा सुन लीजिए एक बार फिर से राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, कैंपेन खत्म हुआ, मैं देश की जनता को और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना समर्थन दिया आप सब ने, देश की जनता ने, और हमारे कार्यकर्ता हर इंच के लिए लड़े। इलेक्शन संविधान को बचाने का है, हिंदुस्तान के संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का है, और हमने नैरेटिव को कंट्रोल किया और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए हैं। पोलिंग डे आ रहा है और मैं इंडिया गठबंधन के सारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, लास्ट मिनट तक आप पोलिंग बूथ पर रहिए, लास्ट मिनट तक आपकी आंख पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। तो बहुत ही संजीदगी के साथ राहुल गांधी अपने बब्बर शेरों को यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लास्ट मिनट तक आपकी नजरें कहां रहनी चाहिए, यह बता रहे हैं यहां राहुल गांधी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी आज अपने कार्यकर्ताओं को ट्वीट के जरिए, उन्होंने एक्स पर यानी ट्विटर पर ट्वीट किया, ट्वीट के जरिए एक बड़ा सा ट्वीट लिखा है, लेकिन उसका एक छोटा सा भाग आपके सामने लेकर आ रहा हूं। लिख रहे हैं अखिलेश यादव कि प्रिय कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों,
मैं आज आपसे एक बेहद जरूरी अपील कर रहा हूं। आप सब कल वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद के दिनों में भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहिएगा और किसी भी प्रकार के भाजपाई बहकावे में न आइएगा। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं और यहां पर साफ साफ जो बातें यहां अखिलेश यादव कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कह रहे हैं अखिलेश यादव कि आप लोगों से ये विशेष अपील है कि आप लोग किसी भी भाजपाई एग्जिट पोल के बहकावे में नहीं आए और पूरी तरह से चौकन्ना रहते हुए अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हुए डटे रहें और जीत के अपने मूल मंत्र मतदान भी सावधान भी को याद रखते हुए जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता की जीत का उत्सव बनाएं। ये बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं अखिलेश यादव। और यहां मतलब मतदान भी सावधान भी को याद रखते हुए जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता की जीत का उत्सव बनाएं, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो एक तरफ विपक्ष संविधान और लोकतंत्र की जीत का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को हैरान परेशान छोड़कर मोदी ध्यान लगाने के लिए उधर कन्याकुमारी चले गए हैं। क्या विपक्ष की तैयारी और कांग्रेस की बड़ी प्लानिंग के बाद अब विपक्ष में बैठेगी बीजेपी? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिरी चरण से पहले आने लगे हैं जो रुझान, वो रुझान क्या कुछ कह रहे हैं, ये चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक तमाम नेताओं की बातें आप सुन रहे हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिल सिन्हा साहब हैं, शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। शकील अख्तर जी आपके पास ही आना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाएगी, ये आज घोषणा हो गई कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के 3 प्रमुख मीडिया विंग के जो इंचार्ज कहे जाएं, कम्युनिकेशन विंग के इंचार्ज कहे जाएं, वो तीनों थे, यानी जयराम रमेश से लेकर सुप्रिया सिरनेत और पवन खेड़ा तक सब थे। ये इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी मंशा यहां जता दी है, जाहिर कर दी है। कल 7वें फेज का चुनाव है और 7वें फेज से पहले कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, यह साफ दिखाई दे रहा है। क्या तैयारियां हैं, जरा अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है? शकील जी आपसे बेहतर और कौन बताएगा, कल इंडिया गठबंधन की बैठक भी है और ये बात, दो बातें पता है, दो नेता नहीं आ रहे हैं इसमें, एक नेता उद्धव ठाकरे जो विदेश की यात्रा पर हैं और एक ममता बनर्जी जिनका मानना है कि कल चूंकि उनके यहां भी मतदान है, अंतिम दौर का मतदान, और वो बहुत मजबूती के साथ अपने राज्य में रहकर उस मतदान में हिस्सा लेना चाहती हैं, इसलिए वो नहीं आ रही हैं, बाकी तमाम नेता आ रहे हैं ऐसी खबर है। दिल्ली में हीट वेव है, बहुत गर्मी है, 50 के आसपास तापमान है और इन सब के बीच सियासी तापमान कितना चढ़ा हुआ है? शकील अख्तर जी देखिए, कल लास्ट फेज का मतदान होना है और उससे पहले आज कांग्रेस के नेताओं की जो आपसी बातचीत हुई, इनफॉर्मल रूप से एक दूसरे से उन्होंने शेयर किया, जो ग्राउंड पे गए थे, क्या कहा है, कैसा है, तो आज कांग्रेस के नेता जो हैं बहुत आत्मविश्वास में हैं और उन्हें लग रहा है कि वो जीतने जा रहे हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि कल जो है एक बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की, जैसा आपने बताया, उससे पहले आज कांग्रेस के नेताओं ने आपस में जो संवाद किया है उससे जो बात निकल के सामने आई है वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। और उसी के बाद आज कांग्रेस ने यह कहा है कि वो किसी भी एग्जिट पोल की डिबेट में हिस्सा नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि आज उसको ये आपसी बातचीत के बाद, एक दूसरे से अपने विचार और अनुभव शेयर करने के बाद ये लग रहा है कि वो जीतने जा रही है, वो सरकार बनाने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में उससे पहले एग्जिट पोल को लेकर उसके बदले एक शंका है कि जैसा कि हर बार होता है कि एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी के समर्थन में आते हैं,
बीजेपी की जब सरकार होती है तब तो एग्जिट पोल उसकी सरकार बनाते ही हैं, लेकिन जब बीजेपी विपक्ष में होती है तब भी एग्जिट पोल वालों का रुझान जो होता है वो आमतौर पे राइटिस्टों की तरफ, प्रतिक्रियावादियों की तरफ, यानी कि बीजेपी की तरफ होता देखा गया है जी। तो इसलिए कांग्रेस ने और उधर अखिलेश यादव ने भी एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि विरोध तो कांग्रेस के और विपक्ष ने किया कि प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, इसको टीवी को नहीं दिखाना चाहिए, मगर उन्हें भी मालूम था कि न टीवी मानेगा न चुनाव आयोग इसके ऊपर कोई नई हिदायत देगा, एक्शन लेगा, लेकिन हाँ हिदायत एक्शन लेगा जो भी है। तो आज जो है कांग्रेसियों के बीच में आपस में एक कहानी जो है बड़े मजे ले लेकर सुनाई जा रही है, और वो कहानी आपको भी मालूम है, पंचतंत्र की मशहूर कहानी है बको ध्यानम। तो कह रहे हैं कि ये जो बको ध्यानम हो रहा है ये एक ही उद्देश्य से हो रहा है कि किस तरह से मछलियों को खाया जाए। आपको याद हो तो और अपने दर्शकों को एक बार पंचतंत्र की बहुत बड़ी कहानी है थोड़े संक्षेप में बता देते हैं कि एक जो कांग्रेसी आज इसको बहुत सारे लोगों ने अलग सुनाया, हमने कहा यार एक ही कहानी हमको सब क्यों सुना रहे हो, कहले हम लोगों ने आज इस कहानी के अलग अलग पहलुओं पे खूब विचार किया। तो एक बगुला जो है वो वृद्धावस्था में आ गया था, सब आते हैं वृद्धावस्था में, तो जाहिर है कि शिकार करने में परेशानी हो रही थी, और बगुला जो है तालाब में रहता है पानी में, तो उसका जो भोजन होता है वो मछली होता है, तो उसके लिए उसके अंदर जो कुशलता होना चाहिए, जो थोड़ा सा अलर्टनेस होना चाहिए, वो बची नहीं थी। क्या करे, बगुले ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा, और उसने जो है एक आंख बंद करके एक टांग पे खड़े होके तालाब के किनारे उसने ध्यान लगाने का अभिनय किया। हम बता दें आपको, कांग्रेसी भी कह रहे थे कि इसका किसी और चीज से कोई संबंध नहीं है, ये कहानी है सामान्य तौर पर जो हम सुना रहे हैं। तो उसने ध्यान लगाने का अभिनय किया, मछलियों ने देखा कि अरे कोई नए महापुरुष आए हुए हैं ये, तो वो धीरे धीरे उनके पास गई, देखा उन्होंने करे तो आंखें बंद करे हुए हैं और बड़ी ध्यानावस्था में है उन्होंने जी। वो पास गई और बगलों ने धीरे से एक मछली खा ली। मछलियां जो थी वो भक्ति भाव में डूबी हुई थी, तो कहने का मतलब ये कि भक्ति भाव चीज ऐसा होता है कि बाकी मछलियों को मालूम नहीं पड़ा कि उनका एक साथी चला गया, पेट में चला गया। तो जनता की जो समस्याएं हैं इसी तरह से खत्म की जा रही हैं। जनता सोच रही है कि कोई हमारे लिए सोच रहा है, कोई हमारे लिए कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है या नहीं कर रहा है ये इस चुनाव में जनता को अच्छी तरह मालूम पड़ गया है। इसीलिए जो आप कह रहे थे कि इस बार विपक्ष जो है उनके मुद्दों में नहीं फंसा, वो इसलिए नहीं फंसा कि वो इस बार जो है जनता के मुद्दों के साथ खड़ा था, और जनता के मुद्दे जो थे वो इतने मुखर थे, इतने द्रष्टव्य थे, इतने जिसे कहते वाजे थे कि उसके अलावा और कोई चीज हो नहीं सकती थी। मोदी जी ने उनको टालने की बहुत कोशिश की लेकिन वो टले नहीं। जैसा कि कल आपने देखा होगा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बताया था कि मोदी जी ने 15 दिन के अंदर, 15 दिन का डाटा लेके आए थे कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, 15 दिन में 700 से ज्यादा बार सिर्फ मोदी 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 का, खुद के बारे में मोदी, बाकी मंदिर मस्जिद भी इससे कम का हम सोचते थे, या बाकी लोग भी सोचते हैं कि मंदिर मस्जिद मुसलमान सबसे ज्यादा किया होगा ना। तो आज वही स्थिति है कि वो इतने आत्ममुग्ध हो गए हैं कि सिवाय मोदी 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 के उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। और एक दूसरी बार ये मजेदार कही थी खड़गे जी ने, कहा था बाकी कितनी बार कांग्रेस का नाम लिया, ये लिया, वो ठीक है, लेकिन एक बार भी बेरोजगारी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जी, महंगाई पर नहीं गए। तो स्थिति आज यही है कांग्रेस की इस मीटिंग की दो ही बातें खास थी, एक तो उनकी जो बताइए शकील जी कल की मीटिंग में क्या कुछ होने जा रहा है, जो इंडिया गठबंधन की कल की बैठक है, कल सातवें चरण की पोलिंग भी है, वोटिंग भी है, और दूसरी तरफ कल इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कितने बजे है दिल्ली में ये मीटिंग है, कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्या आधिकारिक सूचना है इसकी? देखिए ये एक इनफॉर्मल किस्म की मीटिंग है और कोई इसको फॉर्मल रूप नहीं दिया गया है,
और इसमें सबको आमंत्रित किया है खड़गे जी ने, सारी पार्टियों को। और जैसा कि आपने बताया कि ममता जी वहां व्यस्त हैं और वो इसलिए नहीं आ रही हैं, और उद्धव ठाकरे बाहर गए हुए हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं, वो कोई इश्यू नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। मेन मुद्दा ये है कि जो अभी अखिलेश यादव कह रहे थे कि आपको लास्ट मिनट तक किस तरह सचेत रहना है, देखिए कांग्रेस का मानना है, इंडिया गठबंधन के बाकी घटकों को मानना है कि मैदान वो जीत चुके हैं जी। लेकिन मैदान जीतने के बाद आपको मतगणना केंद्रों में भी जीतना होगा और वहां से जीत का सर्टिफिकेट हासिल करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए इस मीटिंग का उद्देश्य यही है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में आपस में चर्चा करना। बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निकल चीजें होती हैं, हमने भी वक्त वक्त में बताई है इसको कि किस तरह से मतगणना केंद्रों में जो वर्डिक्ट है, जो जनादेश है, उसको अफसरों की मदद से बदला जाता है। तो एक ये मैसेज देंगे कि देखो चुनाव आयोग अधिकारियों, कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश नहीं करे, ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर होगा, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। जनादेश को बदलना मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, और जैसा कि दिग्विजय सिंह ने कहा, आपको मालूम है कि इसके लिए फांसी भी हो सकती है जी। हत्या के लिए फांसी का प्रावधान है, बिल्कुल। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी उससे भी ऊंची चीज है, जानबूझ के साजिश करके देश के लोगों की, जनता की जो इच्छा है, जो उसने कहा है, उसको बदलने की कोशिश करना। तो इसमें विचार होगा और सबको एक मैसेज दिया जाएगा, आपस में विचार होगा। कपिल सिब्बल का एक वीडियो है, उस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, उससे थोड़ी और आगे की बात हुई, कुछ लोगों ने और चीजें निकाली हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है। एक जो पिछला चुनाव है 2020 का बिहार का, उसके बारे में भी चर्चा हो रही है कि किस तरह से तेजस्वी यादव को 2020 में मतगणना केंद्र में हराया गया। मैदान में जीत चुके थे तेजस्वी यादव, लेकिन मतगणना केंद्र में उनको हरा दिया गया। और ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, 77 का उदाहरण हम कई बार लिख चुके हैं, बता चुके हैं। लोकसभा जीत गई चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, विपक्षी दलों के अंदर, इंडिया गठबंधन में, कि मतगणना केंद्र में ना हराया जाए। 2020 की जो में जो कुछ तेजस्वी यादव ने झेला है, उनकी पार्टी जीतते जीतते हार गई थी, कुछ 2000 से कम वोटों से, लगभग 10-12 सीटें ऐसी थी जिस पर तेजस्वी यादव हार गए थे, मतलब उनकी पार्टी हार गई थी। क्या ऐसी नौबत आने पर इंडिया गठबंधन के लोग क्या कुछ करने जा रहे हैं, शकील जी, इसकी कोई सूचना? देखिए नौबत आने पर तो जो करा जाता है वो करा ही जाता है, नौबत ना आए, जो मतगणना एजेंट हैं उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए, और अगर वो सावधानियां बरतते हैं, ये हमारा अपना अनुभव है बहुत लंबा, जैसा कि हम बता रहे थे 1970 से लेकर आज तक, उस पर काफी लिखा है, बोला भी है, और जहां जिसको जरूरत हुई है, जो पूछने आया है उसको बताया भी है। तो अगर वो अलर्ट हैं, तो जो वहां पे चुनाव अधिकारी होता है, जो आमतौर पे डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, कलेक्टर होता है, वो उसको नहीं कर पाता है, वो उसको करने का साहस नहीं कर पाता है। तो बाद में तो सारी कार्रवाइयां होंगी, जो होंगी वो तो सारी कानूनी होती हैं, वो शिकायतें होती हैं, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट, देखिए बड़े साफ साफ सब्जियों ने अच्छी तरह समझाया है अखिलेश यादव ने, कि जीत का सर्टिफिकेट अगर मिल गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जीत का सर्टिफिकेट मिलने से, यानी कि अनाउंसमेंट होने से पहले ही आपको अलर्ट रहना है, कोई भी गलत अनाउंसमेंट होने नहीं देना है। तो ये जो होता है वहां पे, एक एक वोट के लिए जो बदमाशी करने वाले हैं, बेईमानी करने वाले हैं, वो करने की कोशिश करते हैं, और जब चुनाव अधिकारी उनसे मिल जाते हैं, जो मतगणना केंद्र के कर्मचारी हैं वो उनसे मिल जाते हैं, तो उस आदमी को मुश्किल हो जाती है जो वास्तव में जीत रहा होता है, जिसके लिए जनता ने वोट दिए हैं। तो अगर उसका एजेंट जो है वो सचेत है, उसके पास छोटी सी एक ट्रेनिंग है, एक समझ है, जो कि अभी बताया जाएगा, कल वही बात है कि हर प्रत्याशी को ये बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है अपने एजेंट के साथ। 1 तारीख को ये है, 4 तारीख को है, 3 दिन बहुत होते हैं, और वैसे भी प्रत्याशी अपने एजेंटों के साथ मीटिंग करते हैं, उन्हें बताते हैं तो क्या क्या बताना है। और दूसरी बात कि ये अखिलेश का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इस पर चर्चा भी काफी हो रही है, कि लास्ट मिनट तक
मतगणना केंद्र से तुमको हिलना नहीं है। अक्सर होता क्या है कि अगर किसी की लीड जाती हुई दिखती है खासतौर से सत्ता पक्ष की, तो विपक्ष के लोग जो है हिम्मत हार जाते हैं और वो हट जाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण है। 2019 में कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती करी थी, और अगर आपको याद नहीं होगा तो एक बार हम बता देते हैं, कांग्रेसी भी ध्यान से सुन लें इसको तो अच्छा रहेगा, उनके काम की चीज है। 2019 में अमेठी के अंदर राहुल गांधी चुनाव हारे नहीं थे, और कांग्रेस के मैनेजर जो हैं राहुल गांधी को लेके AICC के मीडिया हॉल में आ गए, और वहां उन्होंने राहुल से हार स्वीकार कर दी। गिनती अभी चल रही है, राहुल पीछे हैं, लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं होता है, इससे कार्यकर्ताओं का पूरे देश में उत्साह उठता है। तो इस तरह से बहुत जल्दी मीडिया के पास आना जो है, जो आज कहा ना कि एग्जिट पोल में हम नहीं जाएंगे, बहुत अच्छा है। एक बाद में इनको बात करना चाहिए कि मीडिया के पास भी हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बहुत जोड़ जोड़ के ये लोग जो है मीडिया के पास जाते हैं और उसके इन्हें हमेशा दुष्परिणाम मिलते हैं। हम बताना नहीं चाहते लेकिन ये वक्त है जो बता देते हैं। 2014 का जो एकमात्र इंटरव्यू था राहुल गांधी का, उसने कांग्रेस को हराने में भूमिका निभाई, और अभी कांग्रेसी जो है शकील जी उन सब पे बात करेंगे। सेकंड राउंड में आता हूं आपके पास, तमाम साथी हैं इन सब के बीच भी आता हूं। सुनील शुक्ला जी का स्वागत करता हूं, सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और प्रशांत जी आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं। जो बातें शकील जी कह रहे हैं उसी बात को थोड़ा आपके जरिए भी बढ़ाना चाहता हूं, और दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक ये, कल सबसे बड़ी बात की कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, सातवां और आखिरी दौर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर ध्यान लगाए हुए हैं कैमरों के बीच में, कितना ध्यान लगाए होंगे वो तो वही जानते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, उनकी किस्मत भी उस ईवीएम के जो पिटारा है उसमें वो कैद होने वाली है। तो एक तो ये, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आखिरी समय तक आपको, जब तक कि आपको जीत का सर्टिफिकेट ना मिल जाए आप वहां से बाहर मत निकलिए, और ये बात यहां शकील अख्तर जी ने बता दी कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी की मतगणना अमेठी में चल रही थी, उससे पहले राहुल गांधी ने मीडिया के सामने आकर अपनी हार कबूल कर ली थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, लेकिन इस बार के राहुल गांधी और 2019 के राहुल गांधी में जमीन और आसमान का फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही अपील कर दी है अपने मतदाता, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, और कह दिया है कि आपका, आपकी नजरें, आपकी निगाहें बिल्कुल वहीं रहनी चाहिए जहां इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इन सबके बीच सिविल सोसाइटी के लोग, एक्स जजेज, एक्स नौकरशाह, तमाम लोग, उनकी भी निगाहें टिकी हुई हैं। तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं दिल्ली में, और अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए, क्या कुछ है, और यहां से कैसे इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती को दिखा रहा है, सामने रख रहा है। प्रशांत टंडन जी, देखिए राजू जी, सबसे पहली बात तो नरेंद्र मोदी ध्यान लगाने क्यों गए जी, और तमाम कैमरे वहां पर टीवी के लगे हुए हैं, उसकी प्रमुख वजह क्या है कि वो पिछली बार भी गए थे ऐसी वक्त में जब वो पोलिंग, जब कैंपेनिंग बंद हो जाती है। इस बार वो इसलिए गए हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं को दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम कॉन्फिडेंट हैं, आखिरी चरण के मतदान के लिए अपने मतदाता और अपने वर्कर को का हौसला बढ़ाने के लिए केवल वहां पे गए हुए हैं कि देखिए हम कितने आश्वस्त हैं जीत के प्रति और हम यहाँ पे आके ध्यान लगा रहे हैं। असली वजह तो यही दिखाई देती है। दूसरा कि देखिए इस बार इंडिया गठबंधन की और तमाम जो जन आंदोलन के जो संगठन हैं उन सब की बहुत गहरी तैयारी है। 3-4 ट्रेनिंग काउंटिंग सेंटर की रोज हो रही है कि काउंटिंग सेंटर में काउंटिंग एजेंट्स को क्या करना है, मशीन को कैसे क्या क्या चीज़ चेक करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं हो तब जो है वो काउंटिंग के प्रति ऑब्जेक्शन करें, ये सब तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं पर्दे के पीछे। कांग्रेस पार्टी वहां क्यों नहीं जा रही है? कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि जैसी आशंका है, जैसी सूत्रों से हमको खबर है,
कि ये जो मीडिया है इसको 300 की फिगर दे दी गई है, कि एक रेंज दे दी गई है 300 के ऊपर की, कि 300 के ऊपर की रेंज इनको चलानी है और वो उसी रेंज के हिसाब से वो काम करेंगे। तो इसलिए कांग्रेस ने अपने आप को विड्रॉ किया है वहां से। राजीव जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल सुन रहा हूं मैं। विड्रॉ किया है। दूसरी बात यह है राजीव जी कि इस बार का काउंटिंग सिनेरियो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की भूमिका बड़ी संदिग्ध है, सवालों से घिरी हुई है और इस वजह से बहुत अलर्ट है, समाज भी अलर्ट है, सामाजिक संगठन भी अलर्ट हैं और राजनीतिक पार्टियां भी अलर्ट हैं। इसलिए बहुत संदेश जा रहे हैं कि कम से कम काउंटिंग में गड़बड़ी ना हो पाए। और देखिए 77 के चुनाव में भी यही था कि काउंटिंग के प्रति लोगों को बड़ा अविश्वास था। राजनारायण तो वहीं सोते थे कलेक्ट्रेट में बक्सों की रखवाली के लिए, खुद ही सोते थे वो। तो इस बार ये चीजें हैं और काउंटिंग सेंटर के बाद बड़ा जमावड़ा होगा, दो दो कंट्रोल सेंटर बनाए जा रहे हैं, उसमें सबके पास हेल्पलाइन नंबर होंगे, ये सब इंतजाम है। लेकिन इसके अलावा देखिए कांग्रेस का ये संदेश मीडिया को बड़ा इम्पोर्टेंट है और शायद मीडिया जो है अगर वस्तु स्थिति उनको जानते ही होंगे, जब हम आप जानते हैं तो वो भी जानते होंगे, तो वो कितना दबाव में अब आते हैं ये देखना होगा जी। अगर वो दबाव में नहीं आते तो कल उनकी फिगर थोड़ा सुधरी हुई होंगी, वरना अगर वो सरकारी फिगर चलाते हैं जो फिगर्स उनको दी गई हैं, और उसके लिए कांग्रेस का स्टैंड बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस फिर सत्ता में आने के बाद ये इंडिया गठबंधन सत्ता में अगर आता है तो फिर इस मीडिया के बारे में नए सिरे से सोचना पड़ेगा। कुल मिलाकर राजीव जी ये है कि ये चुनाव जो था वो बहुत रोचक था और रोचक के अलावा धड़कनें दोनों तरफ बढ़ी हुई हैं और सस्पेंस का माहौल है। तमाम सारे जो बीजेपी के समर्थन करने वाले जो आंकड़ेबाज लोग हैं, जो सर्वे वाले हैं, वो भी अपनी पोजीशन से पीछे आए हैं जी। तो इन सबको देखते हुए लगता है कि 4 तारीख को जब हम लोग देखेंगे तो बहुत रोचक होगा और कल का एग्जिट पोल तो हो गई है, उसमें दिखाई देगा कि कौन कैसा क्या कर रहा है। एक छोटा सैंपल हम लोगों को जरूर कल मिल जाएगा कि सरकार की तरफ से क्या कहा गया है और वस्तु स्थिति क्या है जी। धरातल पे तो जो वस्तु स्थिति जो दिखाई दे रही है, तमाम जगहों से जो खबरें आ रही हैं और उस आधार पर कुछ और फिगर आना चाहिए, लेकिन अगर जो आप कह रहे हैं कि 300 पार का फिगर दे दिया गया है, अगर उसी को दिखाया जाता है तो ये साफ समझ में आएगा कि क्या बनाने की कोशिश हो रही है जो आप बता रहे हैं। और आपसे पहले शकील अख्तर जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे और क्यों कांग्रेस पार्टी ने एग्जिट पोल में खुद को जाने से रोका है या उसका बहिष्कार किया है, ये साफ समझ में आता है। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल सिन्हा जी भी, डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी और अमलेंदु उपाध्याय जी भी। जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी कैसे आप देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भी आखिरी चरण का मतदान, बिहार में आखिरी चरण का मतदान और पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण का मतदान, इसलिए इन तीनों राज्यों को मैं स्पेशली यहां मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ये तीनों ही ऐसे राज्य हैं जहां पहले से लेकर आखिरी चरण तक मतदान हुए हैं, बाकी राज्यों में कहीं खत्म हुए, कहीं हो रहे हैं, कहीं बीच से शुरू हुए और आखिर तक चल रहे हैं। तो ये इन सब के बीच क्या आपको रुझान सामने आपके सामने आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का जिक्र हम कई बार कर चुके हैं लेकिन आज जबकि अब आखिरी पड़ाव है, आखिरी चरण सामने है, तब क्या कुछ सामने आपको दिखाई देता है, और उसके साथ साथ ध्यान लगाने और कई कैमरों के बीच, मल्टी कैमरे के बीच ध्यान लगा लेने से कोई फायदा नजर आता है नरेंद्र मोदी को वाराणसी में या देश में? धन्यवाद राजीव जी। ध्यान लगाने का कोई ये कार्यक्रम पहली बार तो हुआ नहीं है, 2014 से लगातार चल रहा है ये ध्यान, 14 में हुआ, 19 में हुआ, आज 2024 में भी हो रहा है।
और कैमरों के बीच में तो मैंने आज तक किसी को ध्यान लगाते हुए देखा नहीं है, सुना भी नहीं है। और अगर आप जी स्वामी विवेकानंद रॉक पे विवेकानंद जी ने ध्यान किया था, तो ध्यान करने के बाद उन्होंने क्या बात कही थी, अगर उसी का अनुसरण कर लिया जाए तो ये साफ हो जाता है कि इस ध्यान से क्या मिलना मिलाना है। यह केवल ऐसा कि मुझे मेरा अपना मानना है कि यह ध्यान केवल अपने समर्थकों को अपने साथ बांधे रहने की कोशिश है। कोई नया मतदाता इस ध्यान से जुड़ता नहीं है, क्योंकि जिस रॉक पे जिस चट्टान पे बैठ करके स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान किया और ध्यान के बाद उन्होंने कहा था कि खाली पेट से आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते, ये मूल बात उन्होंने अपने ध्यान के बाद कही थी। यह सब कुछ उनके साहित्य में उपलब्ध है। और ध्यान और पूजा और आध्यात्मिक उन्नति ये सब दिखावे की चीज नहीं होती है। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में मना किया गया है कि पूजा पाठ की चीजों को आप सार्वजनिक मत कीजिए या आप उसकी तस्वीरें मत लीजिए, ये लोक परंपरा है। खैर, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत आस्था है, उसमें कोई, लेकिन इसे कोई राजनीतिक लाभ होने वाला है मुझे नहीं लगता। जहां तक आपने बात की कि सातवें चरण में जो अंतिम चरण का चुनाव है कल उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, तो मुझे नहीं लगता कि जो अभियान या जो रुझान पहले चरण से शुरू हुआ है उसमें कोई बदलाव है, बल्कि यह प्रत्येक चरण के बाद गंभीर होता चला गया है। गंभीर होने की वजह मैं ये मानता हूं कि विपक्ष ने जो अपने अभियान के बिंदु रखे हैं, चुनाव प्रचार के जो विषय रखे हैं, उससे उन्होंने अपने आप को हटाया नहीं, उन्होंने उसमें कोई संशोधन नहीं किया, बल्कि उन्हीं बिंदुओं पर लगातार चलते रहे, चाहे बेरोजगारी का मसला हो, चाहे किसानों का सवाल हो, चाहे आर्थिक विषमता हो या किसानों की बदहाली, जितने उनके मुद्दे हैं सभी मुद्दों पर उन्होंने अपने आप को केंद्रित रखा, उसे हटे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बार बार ऐसे मसले उठाए जाने के बावजूद भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बात लगातार कहते रहे, सब जिसमें आरक्षण का विषय और संविधान खतरे में, ये जो नारा विपक्ष ने निकाला इसका असर बहुत दूर तक गया। और यह जो आखिरी चरण के चुनाव है, इन इलाकों में इस नारे का और व्यापक असर है। यह पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में दलित हैं, आदिवासी हैं, जहाँ पे इसका लोगों के मन में एक तरह का भय है कि अगर संविधान नहीं रहेगा और जो संवैधानिक संरक्षण हमें मिला हुआ है अगर नहीं बचा रहा तो उनकी आर्थिक प्रगति हो पाएगी भी या नहीं हो पाएगी, ये संभव हो पाएगा कि नहीं, तो ये बड़ा विषय है। इसलिए मुझे कोई इसमें सुधार या कोई संशोधन नहीं लगता। वह आक्रामकता जो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ पहले चरण से बनी है वो वैसे ही है। और आप इसको वैसे भी देख सकते हैं कि अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव को अगर आप देखिए तो पश्चिम बंगाल के जिन क्षेत्रों में 8 या 9 विधान संसदीय क्षेत्रों में चुनाव होना है वो पिछले बार भी सभी के सभी सीटें टीएमसी ने जीती थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई स्थान नहीं था। और इन इलाकों में जब आप पंचायतों के चुनाव को देखेंगे तो कोई तुलना नहीं है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के मत प्रतिशत का, जबरदस्त गेन किया है टीएमसी ने। जो निगम तात्कालिक चुनाव हुआ है 2019 के बाद से, 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो पंचायत चुनाव, उसमें जबरदस्त मत प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं उस इलाके में। ये जरूर है कि कांग्रेस और वामपंथी दल कहीं एक आध दो जगहों पर अपना असर दिखा सकते हैं। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो आप इसे समझ लीजिए कि 2019 के आंधी में, पुलवामा बालाकोट की आंधी में भी दो सीटें बीजेपी हारी थी, घोसी की सीट और गाजीपुर की सीट। तो जब उसमें आप दो सीट हारे हैं तो 2024 तो एकदम बदला हुआ माहौल है। ये तो राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, स्थानीय सांसदों के खिलाफ इंटेंट कल जो 13 सीटों पे है, सुनील जी, कल जो 13 सीटों पे उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं जिसमें मतदान होना है, क्या स्थिति दिखाई दे रही है बीजेपी की? मैं आपसे कह रहा हूं कि 2000 आंधी के चुनाव में दो सीटें आ रही थी बीजेपी, आज तो पूरी सरकार के खिलाफ इंकमबेंसी है, राज्य सरकार के भी खिलाफ है, केंद्र सरकार के भी खिलाफ है और स्थानीय सांसदों के भी खिलाफ है।
और वह प्रचार अभियान में दिखाई पड़ा। कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी पहली बार जीती है, जैसे घोसी का चुनाव क्षेत्र एक बार जीती 2014 में, उसके बाद कभी न पहले जीती थी न बाद में जीती। 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां हार गई। गाजीपुर का चुनाव आप देख लीजिए, गाजीपुर के चुनाव संसदीय इतिहास में केवल 3 बार बीजेपी जीती है, फिर 2019 का चुनाव हार गई और अच्छे खासे। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। मतों के अंतर से हारी, बलिया का चुनाव आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में आकर के जीती, उसके बाद 2019 से फिर जीती, दोनों बार उन्होंने उम्मीदवार बदले। फिर आप इस समय वो जो दो बार के सांसद रहे हैं समाजवादी पार्टी के, उनको लेकर के उतरे हैं, वहां भी चैलेंज है। सलेमपुर की स्थिति आप देख लीजिए, सलेमपुर भी कभी भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत सीट नहीं रही, वहां भी चुनौती है। घोसी तो केवल एक बार चुनाव जीती है बीजेपी 2014, फिर 2014 के पहले हारती रही है, 2014 के बाद जो चुनाव हुआ है 2019 का उसमें हारी। और आप घोसी की राजनीतिक स्थिति का आकलन घोसी विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के आधार पर भी लगा सकते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का मत प्रतिशत 20% बढ़ा था। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र, हाँ आप कह सकते हैं कि गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, इन इलाकों के में विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली थी। लेकिन आज जो 2019 का चुनाव है वो 2022 के बिंदुओं पर नहीं हो रहा, 2024 का चुनाव 2022 के बिंदुओं पर नहीं हो रहा, सांसदों के खिलाफ इनकंबेंसी है। गोरखपुर में उस इलाके में योगी आदित्यनाथ जी के प्रभाव से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वह कितने सक्रिय हैं यह अभी भी सवालों में, उनकी उपस्थिति कितनी मजबूत है यह भी अभी सवालों में। और गोरखपुर में अगर आप याद कीजिए तो गोरखपुर में निषाद प्रतिनिधि होने पर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा नुकसान हुआ। अगर महंत दिग्विजय नाथ चुनाव हारे हैं तो यमुना निषाद से, महंत अवैधनाथ चुनाव हारे हैं तो यमुना निषाद से, भारतीय जनता पार्टी 2018 में चुनाव हारी उपचुनाव प्रवीण निषाद से, और आज इस समय भी निषाद उम्मीदवार को ही समाजवादी पार्टी ने उतारा है, जो पिछले चुनाव में हारने के बाद लगातार सक्रिय है। इसमें कोई तो राय नहीं है कि सभी के सभी पांचों विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के पास, लेकिन वर्तमान बीजेपी सांसद के खिलाफ एक तरह का एंटी इनकंबेंसी है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और वह एंटी इनकंबेंसी समाजवादी पार्टी के प्रचार अभियान के दौरान भी दिखाई पड़ा। आप महाराजगंज को आप देखिए, महाराजगंज में भी कोई तो राय नहीं कि पीछे लगातार बीजेपी वहां जीतती चली आ रही है, लेकिन कैंडिडेट के मामले में इस बार कांग्रेस ने बहुत सतर्कता बरती है और अपने उस विधायक को मैदान में उतारा है जो 2022 में बीजेपी की आंधी में चुनाव जीता, उसी महाराजगंज क्षेत्र से, एक विधानसभा क्षेत्र से वीरेंद्र सिंह, उनको उन्होंने इस बार संसदीय चुनाव में उतारा है। तो महाराजगंज की भी लड़ाई ऐसा नहीं कि एक तरफा है। बांसगांव में अगर आप बात कीजिए तो सदल प्रसाद बहुजन समाज पार्टी के मजबूत नेता रहे और सदल प्रसाद को गठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है, वहां पर कमलेश पासवान को लेकर के भी एक तरह की एंटी इनकंबेंसी है। तो वह 2019 में जो एक तरह का स्मूथ माहौल था या एक तरह का जो बीजेपी को मोदी लाओ का नारा था वो बिल्कुल नहीं है जी। आप गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों की एकदम अलग स्थिति है, बनारस के आसपास के क्षेत्रों की स्थिति एकदम अलग है, चंदौली की स्थिति है कि आप पिछला चुनाव 15,000 के वोट से आ रहे हैं, जीती है बीजेपी 2019 में, इस बार वो स्थिति नहीं है। और बड़े पैमाने पर जो बीजेपी का वोट है परंपरागत वोट, वो खिसका है, एक ऐसा फ्लोटिंग वोट जो 2019 में बीजेपी के साथ गया था, दलितों का वोट, वो पूरी तरह से उनसे अलग हो गया है, वो दिख रहा है सड़क पर, कोई ऐसा भी नहीं है। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण हुआ है जो आरक्षण और संविधान के मसले को विपक्ष ने मजबूती के साथ उठाया, लोगों के जी बिल्कुल जीवन से जुड़े हुए सवाल है उनको उठाया,
तो इस मेरा अपना मानना है। अब आप एक पूरा का पूरा ये दिखाई देता है सुनील जी, जो आप कह रहे हैं कि जो 13 सीटें और उसके साथ साथ ये पूरा, चूंकि आखिरी दौर है और इस आखिरी दौर में चुनाव किसी न किसी रूप में अगर देखें तो विपक्ष के कब्जे में दिखाई देता है, विपक्ष के ग्रिप में दिखाई देता है ये चुनाव, और यही परेशानी है। नरेंद्र मोदी हालांकि ध्यान लगाने के लिए गए हैं, कितना ध्यान लगा पा रहे होंगे ये तो वही जाने, लेकिन चुनाव के वक्त, और जबकि कल उनके ही संसदीय क्षेत्र यानी उनकी सीट पे भी खुद वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी नजरें निगाहें जरूर टिकी होंगी, ये तो ऊपर वाला जाने और नरेंद्र मोदी जाने कि दोनों के तार कितने मिल रहे हैं। खैर, आता हूं फिर से सुनील जी आपके पास, अनिल सिन्हा जी के पास जल्दी से आना चाहता हूं, और अनिल जी जरा बिहार के बारे में भी समझना चाहता हूं। जैसे अभी सुनील शुक्ला जी बता रहे थे उत्तर प्रदेश, क्योंकि 7 चरणों का मामला है, तो ऐसे ही बिहार में भी 7 चरणों का मामला है, और सबसे ज्यादा रैलियां करने का रिकॉर्ड अगर किसी ने पूरे देश में बनाया है तो वो तेजस्वी यादव हैं। 251 नॉट आउट, उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया है, 251 रैली, और हर रैली में युवाओं का हुजूम। ये क्या ये 2020 का विधानसभा चुनाव, उसमें भी बहुत रैलियां इन्होंने की थी तेजस्वी यादव ने, लेकिन वहां जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को, जिसके बारे में बता रहे थे शकील अख्तर जी, उन गलतियों को यहां ना दोहराए, और विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी के साथ और वाम दलों के साथ जो वहां महागठबंधन बना हुआ है वो गठबंधन आगे रहे। 40 सीटें हैं, 39 सीट्स पिछली दफा थी, इस बार क्या दिखाई देता है, और क्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीनों जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर धकेलते हुए नजर आते हैं? ये स्टार्ट करें हम तो बिहार में ऐसा है कि ये जो इलाके हैं, जो 7वां फेज है, ये मगध प्रमंडल पहले था, मगध डिवीजन उसका हिस्सा है पूरा, ये पटना का इलाका जो नालंदा है वो भी पहले पटना जिला में ही आता था, और उसके बाद दूसरा गया जिला का जो हिस्सा अलग हो गया, काराकाट, जहानाबाद और बाकी ये इधर आ रहा, ये पहले मगध डिवीजन में आता था बहुत पहले शुरुआत में। तो ये इलाके की दो खासियत, एक इन इलाकों की खासियत है कि एक सामाजिक न्याय का आंदोलन जो कहते हैं उसका भी केंद्र रहा है, और दूसरा लेफ्ट मूवमेंट का, ये यहाँ कैंडिडेट्स भी हैं CPIML के, और ये जहानाबाद है, बक्सर है, आरा है या नालंदा है, ये सारे इलाके जो है ये नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में गिने जाते रहे बहुत लंबे समय से, और CPIML यहाँ कैंडिडेट्स भी हैं, तो कई जगह मतलब काराकाट में भी है, आरा में है, और मेरे ख्याल नालंदा में भी है। तो ये जो ये सिनेरियो है, तो एक समझ ये थी कि यहाँ एक क्लास एंड कास्ट दोनों का फाइट है, और बाकी जो लोकल इक्वेशंस है, जैसे पवन सिंह काराकाट में है तो उपेंद्र कुशवाहा को प्रॉब्लम हो रहा है, डिवीजन ऑफ वोट्स हो जाएगा उनका, जो बीजेपी NDA के समर्थन का वोट है। तो इसमें मुझको लग रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग सीट कही जा सकती है वो है रविशंकर प्रसाद की सीट, क्योंकि वहाँ पर मतलब जो उनका लग रहा है कि पक्का ज़्यादा चांसेस है, वो सीट पक्की मानी जानी चाहिए, इसीलिए कि वहाँ लेट आए मीरा कुमार के जो पुत्र हैं, वो उनके लेट एंट्री हुई, और लेकिन कास्ट इक्वेशन अगर देखेंगे तो वो भी कंटेस्ट है वहाँ, वहाँ कुशवाहा है और उनका वोट बैंक है। जहाँ तक अब जो बाकी जो सिनेरियो जो आपने तेजस्वी यादव के बारे में कहा, इस बार लंबे समय मतलब शुरुआत से ही जो गठबंधन के लोग हैं वो इसके लिए अलर्ट हैं कि पिछले बार की तरह ये ना हो, क्या कहते हैं, जो कम जहाँ मत ये है, कम मार्जिन है वहाँ पर उन सर्टिफिकेट दे दे उनके तरफ, बल्कि आपको ये बताएंगे कि कई जगह तो ऐसा हुआ कि उन्होंने गिन दिया पहले ही, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस रात के 1 बजे उन्होंने जो उनका प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कर दी, और उन्होंने वो सीटें जो सीटें डिक्लेयर हुई 3-4 घंटे बाद, और वो फंसी हुई इन द सेंस कि 1000-1500 का मार्जिन था, उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया। तो वो जो है इस बार ये लोग अलर्ट हैं, और कम से कम जो लेफ्ट पार्टीज हैं उन्होंने तो उनके ही लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमने तो पूरा अपनी जहाँ जहाँ CPI और CPIML के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने तो बहुत मुकम्मल इंतजाम किया, लेकिन वो तो बहुत कम सीटें हैं,
बाकी जगह भी ये उनको सलाह उन्होंने गठबंधन की बैठक में ये रखा है, लेकिन उसमें कितना कुछ कर पाएगी इसमें तो मतलब गठबंधन कर पाएगा विजिलेंस के बाद भी, इसमें थोड़ा सा डाउट मुझको है। तो उनका सांगठनिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि बहुत जल्दी वो ये सब बारीकियों में नहीं जा पाते हैं, कम से कम बिहार में तो ऐसी स्थिति रही है, लेकिन इस बार इसके लिए अलर्ट है। तो आप जहाँ तक महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और ये सबका सिनेरियो अगर देखेंगे तो मुझको लग रहा है महाराष्ट्र में तो 30 सीट के आसपास, 24 से 30 मेरा आकलन है कि 24 से 30 के आसपास जो है सीटें इंडिया गठबंधन को निश्चित, 24 तो मिनिमम है, और वो सीट कई लोग बता रहे हैं कि ये 36 और 30 से 35 भी 35 तक जा सकती है। यहाँ कुछ मतलब कुछ है नहीं कर उस तरह से, बहुत ही स्वीप करने वाला मामला है इंडिया गठबंधन के लिए। जहाँ तक सवाल उठता है कि ये का बिहार का, बिहार में कंटेस्ट है ये आपको मानना होगा, क्योंकि जो सोशल इक्वेशंस हैं वो भी मतलब अब क्या हुआ है कि ऊपर की छतरी जो उड़ गई है और अब खुला खेल है, मतलब न मोदी फैक्टर काम कर रहा है न नीतीश कोई काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो फैक्टर काम भी कर रहा, थोड़ा बहुत मतलब जो फैक्टर काम कर रहा है वो है तेजस्वी और राहुल का फैक्टर ही, क्योंकि बेरोजगारी और इसके जो मुद्दे हैं वो बहुत जोरदार है, तो वहाँ भी एक तरह से है। लेकिन सोशल इक्वेशंस में जो कास्ट का इक्वेशंस है उसके हिसाब से लग रहा है कि कई सीटों पर कंटेस्ट है, तो आप सही सही नहीं बता सकते, लेकिन लोगों का मानना है कि 50-50 का तो रेशियो आना ही है, तो ये मुझको लग रहा है। और यहाँ यूपी में तो एक चीज मैं खाली कहूँगा, जोड़ना चाहूँगा कि जो सेंट्रल पोजीशन थी वाराणसी की इस फेज में, वो सेंट्रल पोजीशन खत्म हो गई है, अब जो बाकी सीटें चारों तरफ की है वो इंडिपेंडेंटली वो अपने इक्वेशंस पे लड़ रहे हैं, आपको मोदी फैक्टर नहीं है वो जो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश है वो मोदी फैक्टर नहीं है। इवन इन बनारस का भी मैं जो मेरा फील है जो रिपोर्ट्स और लोगों से बातचीत है या मैंने जो देखी है उसमें है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग मोदी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं, आप देखिए अलग अलग वीडियोज तो लोग अलग अलग समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। बीएचयू में तो भयंकर प्रतिरोध है कि जो वाइस चांसलर है गुजरात का उसका उसको लेकर के कि उसने जो है सो पूरा यहाँ पे गुजराती टीम ले आए हैं और किस तरह से कर रहे हैं उनको, मतलब एक तरह से भ्रष्टाचार का ही आरोप है उन पर। तो ये जो माहौल है इसमें जो सेंट्रल पोजीशन वाराणसी की नहीं है तो आप बाकी सीटें तो उनके हाथ से निकलने की गुंजाइश बहुत बढ़ गई है। अब बनारस में भी मुझको लग रहा है कि कंटेस्ट मतलब थोड़ा कहने में लोगों को सचाट होती है लेकिन कंटेस्ट है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी मतलब ध्यान लगा रहे हैं तो इसकी वजह से एकदम स्वीपिंग सिचुएशन है, कम मतलब जीत गए हम लोग प्रधानमंत्री की वजह से थोड़ा दबाव में रहते हैं तो कहना पड़ेगा कि वो सीट निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम निकल ही जा रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं तो उसका असर आएगा ये पर भी, ईवीएम मशीन पे भी ये मानकर चलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ईवीएम पे भी असर आएगा और सेंटर में नरेंद्र मोदी ने यानी कि मोदी सेंट्रिक चुनाव जो कल का चुनाव खासकर जो उत्तर प्रदेश का है वो नहीं हो रहा है, जो 13 सीटें 13 में से 12 सीटें अलग अलग लोकल इश्यूज पे और सबसे बड़ा जो इश्यू यहाँ पे है सबसे बड़ा मुद्दा है वो है संविधान बचाओ, उसके बाद जो दो तीन बातें और भी सुनाई पड़ती हैं उसमें महंगाई है गरीबी है बेरोजगारी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन मुद्दों पर यानी कि लोकल मुद्दों के साथ साथ ये तीन चार ऐसे शब्द जिसका इस्तेमाल बार बार हो रहा है और जिससे बीजेपी बहुत ज्यादा प्रेशर में नजर आती है ये साफ दिखाई देता है। डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, चूंकि अब कल के बाद चुनाव यानी वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, कल शाम इसी वक्त जब हम चर्चा करेंगे तो एग्जिट पोल पे चर्चा करेंगे, अपना एग्जिट पोल दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे इस वक्त, लेकिन दिन भर वोटिंग पे भी चर्चा होगी और कल दिन में 3 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया ब्लॉक की इंडिया गठबंधन की बैठक है, कल दिन में 3 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उनके घर पर बैठक है, तो तीन बजे और उसके बाद क्या कुछ चलता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ उस बैठक से निकल के आ रहा है, शकील अख्तर जी से बेहतर और कौन बताएगा, तो ये सब कुछ हम कल बताएंगे, लेकिन आज
जो रुझानों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें ये तीन राज्य इंपॉर्टेंट हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, और उसके अलावा महाराष्ट्र में चुनाव हो चुका है, लेकिन उसके अलावा आगे बढ़िए तो उधर पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों के साथ साथ पंजाब को ले आइए आप, पंजाब में भी चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, इन राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की चार सीटें बीजेपी के पास थी, पंजाब में नहीं थी वो स्थिति, लेकिन पंजाब में बार भी स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। झारखंड में इनके पास 11 सीटें थी 14 में से, अब वो सीटें क्या उतनी वो बरकरार रहेंगी या वो सीटें जा रही हैं, तो बहुत कुछ यहां देखने को मिलेगा। बिहार जहां समाप्त हो रहा है, 39 सीटें थी, लेकिन अनिल सिन्हा साहब जो कह रहे हैं कि 50-50 के हिसाब से वो भी जातीय समीकरणों को सामने रखा जाए और बहुत ज्यादा यहां पर एक दिखाया जाए कि हाँ बहुत फाइट है, उस हिसाब से भी 50-50 बांटते हुए नजर आते हैं, 20-20 बांटते हुए नजर आते हैं। कितना होगा एग्जैक्ट फिगर तो 4 तारीख को पता चलेगा, तो यहां भी वो फिगर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उस अगर इन तमाम चीजों को सामने रखिए तो क्या लगता है आपको, इन रुझानों के आधार पर जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम ही सरकार बनाने जा रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 2004 वाली स्थिति को हम रिपीट करते हुए यहां देख रहे हैं, उसमें कितना दम दिखाई देता है डॉक्टर दीपक पाचपोर? राजीव जी देखिए, कल जो इंडिया गठबंधन की बैठक है, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है, ये माइंड प्ले है, ये बताना चाहते हैं कि देखिए हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार बना रहे, सीधा सीधा मैसेज दिया जा रहा है नंबर एक। दूसरा, कांग्रेस बता रही है कि ड्राइविंग सीट पर हम ही हैं, इसके अलावा हम सबके साथ मिलकर ही बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा जो राहुल गांधी की कल की जो अपील है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और उसको अखिलेश ने भी जो कहा है कि आपको आखिरी समय तक लड़ना है, और उन्होंने राहुल गांधी ने तो बड़ा स्पष्ट किया कि आप एक एक इंच के लिए आपने लड़ाई लड़ी है, अब आपका आखिरी जो 3 दिन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैसेज जा रहा है लोगों के बीच, तो पहली बात तो ये जा रहा है कि निश्चित रूप से जो है इंडिया गठबंधन की सरकार कम से कम आने वाली है, ऐसा उन लोगों को लग रहा है जिसको कहते हैं कि जीत को सूंघ लेना, स्मेल आ चुकी है कि हम जीत के करीब हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो मोदी ने जो वहां जाकर साधना करने का जो तय किया है वो शायद इस बार वो टाइमली नहीं रहा। इसका कारण ये है कि पार्टी के पास ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है कि जो लीड कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1.5 दिनों से 2 दिनों से बीजेपी के अंदर पूरी तरह से नेतृत्व शून्यता जैसी स्थिति आ गई है, कि वरना देखिए इस मौके पर भी जो है अगर मोदी कुछ काम करते रहते, कुछ बोलते रहते, कुछ ना कुछ अपने तरीके से वो प्रचार करते ही रहते थे, उनको ये जो लग रहा है कि हम जो साधना कर रहे हैं इससे उसका विपरीत असर हुआ है। पिछले समय चल गया था क्योंकि पहले बार उन्होंने कोशिश की थी, वो केदारनाथ चले गए थे, उन्होंने साधना की थी, लेकिन अब जिस प्रकार से उन्होंने बहुत ही कुहर ढंग से किया है वो भी बैकफायर हो गया है। इसी साधना के बीच ट्वीट भी किया है, इसी साधना के बीच उनका ट्वीट भी आया अभी थोड़ी देर पहले। तो आप साधना कर रहे हैं कि ट्वीट कर रहे हैं, चलिए ये सब साफ समझ में आता है कि पर्सनली वो खुद ट्वीट नहीं करते, लेकिन आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? आप अपने हैंडल से ट्वीट, उनके हैंडल से ट्वीट हो रहा है, इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी ट्वीट कर रहे हैं? निश्चित रूप से ये माना ही जाएगा, और कोई कहे या ना कहे, देखिए सब लोग अब जान रहे हैं कि ये साधना वाधना कुछ नहीं है, ये पुराना वाला जो फार्मूला था 2019 वाला, जो वहां जाके गुफा में जो उन्होंने किया था, इस समय उन्होंने लोकेशन बदल दी है। थोड़े हर बार जो है मोदी जी जो है वो वैरायटी में बड़ा विश्वास रखते हैं, उनके कपड़े कभी रिपीट नहीं होते, लोकेशंस कभी रिपीट नहीं होती, उनके जो पोस्चर्स है वो कभी रिपीट नहीं होते, तो इस मामले में तो उनकी मास्टरी है ही। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये निर्णय जो है इनका बहुत उनके फायदे में नहीं जाएगा, पूर्णतः नेतृत्व शून्यता है पिछले 1.5-2 दिनों से जो है। और मुझे ऐसा, अब मैं नहीं जानता कि वहां पर बनारस में क्या होने जा रहा है कल, कौन ये सारा संभालेगा, कौन क्या करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है और जो लीडरशिप है वो निश्चित रूप से बौखला रहे होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा आदमी है ही नहीं किसी तरीके के निर्णय लेने वाला। हालांकि निर्णय जैसी चीजें बहुत ज्यादा कुछ रह नहीं गई है, लेकिन उनकी उपस्थिति अगर मैदान में रहती तो कहीं ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण होती और उनको फायदा मिलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये निर्णय जो है वो गलत हो गया है। तो इस प्रकार से, और दूसरा, आप पूरे राज्य में आप देखिए, जहां जहां किसी भी स्टेट में देखिए, कहीं भी ये बात नहीं हो रही है कि बीजेपी की जो सीटें हैं वो ज्यादा रहेंगी। केवल एक गुजरात स्टेट को छोड़ दीजिए जहां लोगों को लगता है कि अभी भी वैसा बहुत ज्यादा सीटें
इंडिया गठबंधन तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी लोग मान रहे हैं कि 5-6 सीटें जा सकती हैं, उनके हाथ से निकल सकती है बीजेपी की। अब गुजरात जैसे राज्य में अगर 5-7 सीटें निकलती हैं तो बाकी राज्यों में इसका मतलब है कि बहुत बड़ा इंडिया गठबंधन को फायदा होने जा रहा है। तो रुझान देखिए, कल जो रुझान आएंगे, ये रुझान मुझे ऐसा लगता है कि लगभग जो है ये उसी तरह उसी लाइन पर रहेंगे जिसके ऊपर हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहा है, ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई है। 1.5 साल 2 साल 3 साल पहले उसकी जो स्थिति लोग सोचते थे वैसा नहीं रह गया है। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। हम इस बात को भी पर्याप्त और कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि 2014 और 2019 वाला मामला तो कतई नहीं है। तो मोदी जी अब देखिए, मौन व्रत कल शाम तक उनका खत्म होगा। वैसे तो हम चाहते हैं कि उनका मौन व्रत कम से कम जारी रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी कम से कम मेरी तो ये कामना है, बाकी अपना नॉर्मल काम वाम करते रहे, लेकिन मौन व्रत अगर उनका जारी रहे तो इससे ज्यादा खुशी की बात राजीव जी कोई दूसरी हो नहीं सकती। चलिए ठीक है, उनका अपना अधिकार है कि कितने दिन मौन व्रत रखते हैं, कितने दिन काम करते हैं, लेकिन कुल जमा ये उनका निर्णय बहुत टाइमली नहीं हुआ और गलत समय पर लिया। हाँ, वापस आएंगे और पूरा जी जी और पूरा कोटा पूरा करेंगे। मैं ये भी जानता हूँ क्योंकि कहते हैं कि मौन के बाद काफी ताकत मिल जाती है लोगों को। तब देखिए कल शाम को आके क्या बात करेंगे। हालांकि शुरुआत में थोड़ी वो आध्यात्म, हाँ शुरुआत में नहीं आ जाएंगे क्योंकि ऊपर नहीं आ जाएंगे, कुछ और इंडिया गठबंधन की बैठक बातें करनी होगी, कुछ अपने मतदाताओं को इन्फ्लुएंस करना होगा, तो ये सारी चीजें रहेंगी। नरेंद्र मोदी जी आखिरी पारी अच्छे से खेलना चाहते हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है और हर बार खेलते हैं, लेकिन परिस्थितियां उस समय बदली हुई थी। 2014 की परिस्थिति कुछ और थी, 2019 की परिस्थिति कुछ और थी, लेकिन 2024 की परिस्थिति जो है उनके लायक नजर नहीं आ रही है। इसीलिए डॉक्टर दीपक पाचपोर जो आप कह रहे हैं मौन व्रत के बाद अब ये सही है कि बहुत ताकत लेके आएंगे और कुछ ज़्यादा नरेंद्र मोदी अपनी बात करेंगे, देखा जाएगा कि क्या कुछ कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी बातें तो देश सुनता ही है, सुनेगा ही। आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं जरा रुझान की तरफ और कांग्रेस की प्लानिंग या इंडिया गठबंधन की प्लानिंग की तरफ ध्यान लेके जाना चाहता हूं, और क्या कारण है कि कल ही इंडिया गठबंधन ने अपनी बैठक बुला ली, इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि कल सब लोग अगर अपने अपने क्षेत्र में रहते, वहां मतदान करवाते, ये ज्यादा अच्छा होता। अखिलेश यादव भी इधर आएंगे, तेजस्वी यादव भी दिल्ली आएंगे, ये लोग रहते अपने राज्य में बेहतर होता। जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि मैं उधर रहूंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए राजीव जी, ममता बनर्जी को क्योंकि खुद भी अपना वोट डालना है इसलिए वो बाहर आएंगे, चुनाव की वजह से नहीं, ममता बनर्जी को अपना वोट डालना है इसलिए वो वहां है। बाकी सब लोग जो है बड़े नेता जो है उनको किसी का भी चुनाव नहीं है, किसी को भी मैदान में चुनावी मैदान में नहीं रहना है, तो इसलिए बाकी सब लोग आए, यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती भी आएंगी जो कि इंडिया गठबंधन के साथ वहां चुनाव मिलकर नहीं लड़ पाई, कश्मीर में वहां सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, लेकिन वो भी उसमें आ रही है, सूचना है, तो सब आ रहे हैं। मुझे लगता है राजनीति इसके पीछे दो कारण है कल की बैठक के। एक तो ये है कि जो 4 दिन की जो परिस्थितियां बनेंगी उसमें क्या करना है और कैसे तुरंत स्टेप लिया जाना, ये रहेगा। दूसरा ये कि जो संभावनाएं जताई जा रही हैं या आशंकाएं जताई जा रही हैं कि क्या कोई गड़बड़ी भी की जा सकती है काउंटिंग टेबल्स पे, तो उसको किस तरीके से रोका जाए और उसके लिए क्या मैकेनिज्म हो, इसकी भी तैयारियां जो है वो की जाए और ये एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को जनता को उत्साह में रखा जाए और उनको जो है काउंटिंग जो सेंटर्स हैं उनके आसपास इकट्ठा रखा जाए, ताकि हालांकि ये इंतजाम ये किए जाते हैं कि धारा 44 लगा दी जाती है, आप 1-2 किलोमीटर तक नहीं जा सकते, इसलिए व्यवस्था की जाती है, लेकिन लोग रहे तैयार कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी की चीजें करने की कोशिश हो तो उससे किस तरीके से निपटा जाए, ये चीजें भी एक दिक्कत हो सकती है। दूसरा मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि अपने जो कार्यकर्ता है या अपने जो बड़े नेता है वो एक चेन बनाए कि किस तरीके से संपर्क सब रहेंगे काउंटिंग वाले दिन और सुबह से लेकर के और रात तक जो है, और इस बीच मीडिया जो बदमाशी करेगा काउंटिंग के दिन उस समय किसी को हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि पहले खबरें दिखाई जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 450 सीटों पर जीत रही है, ये शुरू में 10 बजे तक बताया जाएगा और उसके बाद 10 बजे के बाद बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर जीत रही है और 350 पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो जब मीडिया ये चलाए कि भारतीय जनता पार्टी 450 सीटों पर जीत रही है तो किसी को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन 350 सीटों पर जीतेगा। तो मुझे लगता है ये भी प्लानिंग के हिस्से में होगा, क्योंकि मीडिया जो बदमाशी करेगा
वो भी समझना है। तो ये एक मतलब मनोबल बनाना और स्टेज भी तैयार करना, ये सारी चीजें उनकी तुल मिलाकर के नहीं। अब जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है कि वो कल किस समय आ रहे हैं, किस समय आ रहे नहीं आ रहे हैं, वो उनका अपना मसला है, किस समय किसी समय भी आए, उनका टाइम पूरा हो चुका है, उनको अब जाना ही राजीव जी, वो आए या लौट के जाए, टाइम पूरा हो चुका है, उनका पुस्तक मुझे लगता है बन चुका है। जी जी शकील अख्तर जी, जरा आपसे समझना चाहता हूँ, आप जो अभी कह रहे थे 2014 में जो एक गलती हो गई थी, एक इंटरव्यू का जिक्र कर रहे थे आप, राहुल गांधी के इंटरव्यू, उसी समय आप बता रहे थे कि राहुल गांधी ने इंटरव्यू दे दिया था और उसके बाद से शायद कुछ नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई, लेकिन 2014-2019 को किनारे रख दिया जाए और 2024 की बात करें, यहाँ एक अलग राहुल गांधी नजर आते हैं और या कहें तो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी, राहुल गांधी, कांग्रेस दावा करती है कि राहुल गांधी वही हैं और चलिए हम वही मान लें, लेकिन यहां एक दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये चुनाव विपक्ष नेशनल मुद्दे पे लड़ा, विपक्ष कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और इधर मणिपुर से लेकर मुंबई तक की जो यात्रा राहुल गांधी ने की थी और चारों तरफ वहां संविधान सबसे ऊपर दिखाई दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के पास हर दूसरे दिन नए नए मुद्दे नजर आए, नए नए शब्दों को इजाद करने में नरेंद्र मोदी कई बार लड़खड़ाते हुए नजर आए, क्या ये सबसे बड़ा कारण होगा अगर यहां नरेंद्र मोदी या बीजेपी को हार मिलती है तो? राजीव जी, ये जो चुनाव है इस चुनाव का एक ही नायक है, राहुल गांधी। ये पूरा चुनाव जो है राहुल गांधी ने अपने कंधों पे ढोया है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी उस दिन से ये कहानी लिखी जाना शुरू हो गई और आप देखिए कि बीजेपी और उसका समर्थित मीडिया अभी जब चुनाव की घोषणा हुई थी तब तक इन सारी बातों को नकार रहा था। मार्च में और अप्रैल के शुरू में यही माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि इंडिया गठबंधन कहीं है ही नहीं, लेकिन राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल की दूसरी यात्रा और इंडिया गठबंधन का बनना, ये तीन जो हैं इस चुनाव के महत्वपूर्ण कारक हैं। वो कहते हैं ना कि जीत के बाद एक नई कहानी लिखी जाती है और जीत के जो लेने वाले होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, हार का कोई माई बाप नहीं होता। तो जीतने के बाद ये सारी कहानियां यही गोदी मीडिया सुनाएगा और हमसे और आपसे ज्यादा सुनाएगा और ऐसी ऐसी बातें सुनाएगा जो कहीं थी नहीं, जिसे कहते हैं कहानी गढ़ना या कहानी बनाना। और राहुल को अभी हमने एक नायक शब्द का इस्तेमाल किया है, खाली नायक ही बोला है, वो महानायक निरूपित कर देगा। तो ये चुनाव जो है अपने आप में ये बताता है कि जो एक प्रतिबद्धता होती है, कन्विक्शन होता है, वो कितना फर्क डालता है। देखिए राहुल गांधी जो है उनको लेके इतना खर्चा किया गया, इतना प्रचार किया गया और शायद दुनिया का सबसे बड़ा चरित्र हनन अभियान राहुल गांधी के खिलाफ चलाया गया कि 2014 से चल रहा है, अभी नहीं चल रहा, 20 साल हो गए पूरे। जब उन्हें लगता था कि इसकी जरूरत ज्यादा नहीं है थोड़ा हल्का कर देते थे और जब लगता था कि जरूरत ज्यादा है तो इसको तेज कर देते थे। राहुल के खिलाफ क्या नहीं कहा गया, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने और अभी आखिरी आखिरी तक जो उन्होंने भाषण दिया है उसमें वो बोलते रहे शहजादा 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 और कई और शहजादे भी साथ में ले आए, वो उसमें तेजस्वी को भी शामिल कर लिया, अखिलेश को भी कर लिया। यहां ये बात बड़ी समझने की है कि तेजस्वी और अखिलेश क्यों शामिल हो गए, तो इसका मतलब यह हुआ कि तेजस्वी और अखिलेश ने भी वह भूमिका निभाई है जिससे इस चुनाव में फर्क दिखने लगा है। तो ये सारे के सारे इस फिल्म के या इस चुनाव के बहुत महत्वपूर्ण किरदार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, स्टालिन हैं, तो इन सब ने जो है इस चुनाव को पलट दिया एकदम, जिसे कहते हैं। अब आप एक बात देखिए खास तौर से कि जो मोदी जी को लेकर जिक्र किया जा रहा है कि अब मोदी जी का वो प्रभाव नहीं बचा या मोदी जी अब वैसे नहीं दिखते हैं, तो उसका भी कारण है और वो कारण ये है कि मोदी का प्रभाव जो है वो बनाया गया था,
वो वास्तविक प्रभाव नहीं था, वो मीडिया के जरिए एक छवि बनाई गई थी, छवि गढ़ी गई थी उसको, लेकिन गढ़ी हुई छवि ज्यादा समय तक काम नहीं करती। 10 साल बहुत काम कर गई हो, उसके आगे उसके काम करने की अब कोई संभावना नहीं है। और इसीलिए जो है आज जो समस्याएं हैं, जिसे जन समस्याएं कहते हैं, वो सामने आ गई। समस्याएं पहले भी थी, लेकिन मोदी जी के प्रभाव के कारण जो है, मोदी जी ने एक जो नकली रोशनी पैदा कर दी थी या मीडिया ने वो पैदा कर दी थी, वो समस्याएं दिखती नहीं थी, उन समस्याओं को अंधेरे में छुपा दिया था और सारा प्रकाश सारी रोशनी मोदी के चेहरे पर फोकस कर दी थी। लेकिन आज वो समस्याएं सामने आ गई हैं, और जब समस्या सामने आई है तो विपक्ष उनको लेकर खड़ा हो गया है। इसी को हम राहुल की प्रतिबद्धता कहते हैं, कि राहुल के अंदर जो कमिटमेंट था कि राहुल कभी भी डिगे नहीं अपनी बात से, राहुल खुद में कभी नहीं गए, आत्मप्रशंसा में कभी नहीं डूबे, गलत मुद्दों पर कभी नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ जन समस्याओं की बात करते रहे वो। और आज वो जन समस्याएं मोदी जी के गले में पड़ गई। एक बात हम यहां और कहना चाहेंगे कि ये सब कुछ जिस तरह से निर्धारित किया गया, देखिए जब आपका समय होता है तो आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता है। टीम जब जीतती हुई होती है तो कप्तान की वाहवाही होती है, कोच की होती है, लेकिन जब हार जाती है तब मालूम पड़ता है कि कितनी गलतियां की गई। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में इतना लंबा चुनाव करवा के ये भी मोदी जी के लिए बहुत नुकसान कर दिया। हम बार बार कह रहे हैं, आज फिर इस बात को कहना चाहेंगे कि कल आखिरी पोलिंग है, आखिरी फेज की पोलिंग है। तीनों चुनाव आयुक्तों को कल के दिन 3-4 घंटे दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ग्रुप टू ग्रुप जाना चाहिए, हर पोलिंग बूथ में जाना चाहिए, इसलिए कि उन्हें मालूम हो सके कि उन्होंने जनता के साथ, मतदाताओं के साथ कैसा अत्याचार किया है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ कैसा अत्याचार किया है। ये कोई चुनाव का समय है? पिछली बार खत्म हो चुके थे, 2014 में खत्म हो चुके थे, इस बार इसको 1 जून तक रखने का मतलब क्या है? आप एक काम ढंग से नहीं कर सकते, आपको जिसके लिए चुनाव हुआ है आप वो सारे दूसरे काम कर रहे हैं जिसका कोई आपसे वास्ता नहीं है, जिसकी आपसे कोई किसी को दरकार नहीं है। आपका काम था सही शेड्यूल बनाना और आप उसको करने में पूरी तरह सफल साबित हुए हैं। हम फिर कह रहे हैं कि 1 जून को, और जनता को इस बात को बार बार लिखना चाहिए, बोलना चाहिए कि श्रीमान चुनाव आयुक्त जी कहां हो आप, जरा आइए बूथों पर देखिए, कहीं पानी का इंतजाम नहीं है, कहीं शेड का इंतजाम नहीं है, ऐसी गर्मी में लोगों से वोट डालने की अपील करना, उनसे कहना, हम सब कहते हैं ये चुनाव आयोग का काम होता है, लेकिन एक नागरिक के तौर पे हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, फिर एक पत्रकार है तो और होती है कि भाई सब लोग वोट डालने आइए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, लेकिन ये कहते हुए इस गर्मी में मन में कसक भी होती है कि वहां इंतजाम क्या है, वहां पे इतनी लंबी लंबी लाइनें और आप उस लाइनों को धीमा कर देते हैं, आप उन लाइनों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अभी दिल्ली के अंदर जो हुआ, देश की राजधानी में जो हुआ, 4-4 घंटे तक लोग इसी गर्मी में खड़े रहे लाइन में, 4 घंटे क्या होता है, इसीलिए हम 4 घंटे का उपयोग कर रहे हैं कि 4 घंटे इन चुनाव आयुक्तों को, तीनों के तीनों को, खासतौर से बनारस में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इनमें थोड़ा घूमना चाहिए सड़कों पर, और एक बूथ से दूसरे बूथ तक पैदल जाना चाहिए, सड़क के ऊपर निकल के, अपनी एसी गाड़ी में नहीं जाना चाहिए। घूमे ना घूमे शकील जी, ये इतना तो पता है कि इतने लोगों की जान जा रही है इस हीट वेव के कारण, और दिल्ली का तापमान 52 डिग्री से ऊपर हो गया, आज भी 45 के बीच में तापमान है, और न सिर्फ दिल्ली बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, हर जगह बिल्कुल कोहराम मचा हुआ है गर्मी का। उसके बाद क्या सोचकर चुनाव आयोग ने 7 चरणों में मतदान, वो भी जून तक मतदान को लेके जाना, ये किस हिसाब से सोचा, क्योंकि जून का महीना सब जानते हैं, मई जून का महीना उत्तर भारत के लिए कितनी गर्मी वाला महीना होता है, लेकिन उसके बाद भी इस महीने में चुनाव करवाना, ये अपने आप में, मतलब कहें तो इस देश के मतदाताओं के ऊपर आपने जो बिल्कुल आफत में उनको लाकर के आपने रख दिया, ये दिखाई देता है। तो क्या ही कहा जाए इन तीनों चुनाव आयुक्तों को।
ये कभी लिखा जाएगा इतिहास चुनाव के और इस 2024 के चुनाव को करवाने और उस समय जो तीन चुनाव आयुक्त कौन थे इन पर कोई इतिहास लिखा जाएगा, जैसे टीएन सेशन को हम याद करते हैं तो वैसे ही इनको भी याद किया जाएगा लेकिन किसी और रूप में। खैर, लेकिन इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं और इस समय सबसे बड़ी बात यही कि चुनाव के लिए मतलब वोटिंग के लिए मतदाताओं को निकालना बहुत मुश्किल काम है। जल्दी से अपनी बात आप खत्म कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। जी, ये क्रिमिनल एक्ट है, आपराधिक कृत्य है, ये बिजली नहीं है कहीं पे। ऐसे में जो कहीं कहीं जो पोलिंग बूथ पे एक पंखा चलता है और ऐसी जब बिजली नहीं होती है तो वो भी नहीं चलता है। इसको चुनाव आयुक्त तो समझ नहीं रहे हैं इस बात को। उन्होंने अपने किसी खास उद्देश्य को लेकर ये सब किया है। नॉर्थ इंडिया में 15 मई तक मौसम ठीक होता है। 15 मई से पहले चुनाव हमेशा से पहले पूरे करवा लिए जाते थे। तो बात हम ये खत्म कर रहे हैं ये कहते हुए कि ये जो चुनाव है इसमें कई लोगों का हिसाब होना है और उन लोगों में एक चुनाव आयोग का और एक मीडिया का जो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज तो आएंगी और जाएंगी, उनका फैसला हो जाएगा, लेकिन ये चुनाव आयोग और ये मीडिया, इन दोनों के जो कृत्य हैं वो भी बहुत गंभीर हैं, आपराधिक कृत्य हैं और इसके लिए इनको भी सही तौर से बताना पड़ेगा और इनको भी इस चीज को मालूम पड़ना चाहिए कि उन लोगों ने क्या किया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आने वाला वक्त बहुत कुछ बताएगा और रिजल्ट जो है यानी कि उस दिन 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उस दिन और भी बहुत सारे रिजल्ट आएंगे जिसमें ये सब भी देखा जाएगा कि चुनाव आयोग ने किस ढंग से ये चुनाव करवाए और जिस पर लगातार उंगलियां देश के मतदाताओं ने उठाकर रखी थी। और दूसरी तरफ इतनी गर्मी में आपने जितने वादे किए दावे किए वो सब कितने पूरे हुए, ये सब कुछ भी उसी दिन ये भी सामने आएगा, इसका रिजल्ट भी सामने आएगा। जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। चुनाव आयोग की बात तो हम लोग खूब करते रहे हैं लेकिन उसके अलावा अगर आगे बढ़ें और यहां दलों की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, बीजेपी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो क्या आपको लगता है अब जबकि 7वां फेज सामने है और 7वें फेज से पहले जिन रुझानों की हम बात कर रहे हैं उन रुझानों में अब क्या पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे देता है आपको? अनम्यूट कर लीजिए। जी ठीक है, ठीक है। इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उनको संकेत मालूम है, इसलिए कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी। कल की बैठक में चाहे वो इनफॉर्मल है उसमें बड़े महत्वपूर्ण फैसले कुछ हो जाएंगे जिनको आगे चल के इम्प्लीमेंट किया जाएगा 4 तारीख के बाद से। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैसले वहाँ पे मीडिया को लेकर, जैसे शकील जी कह रहे हैं, चुनाव आयोग को लेकर, इन सब को लेकर और कुछ ब्यूरोक्रेट को लेकर, जो चिरकालिक ब्यूरोक्रेट है जो रिटायर ही नहीं हो रहे हैं पिछले 4-5 साल से, उनको लेकर भी फैसले कुछ ना कुछ बड़े फैसले हो जाएंगे। मोदी साहब जो संकेत दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, भगवान का अवतार और या ये राजनीतिक पार्टियों दुश्मनी नहीं है जी। आप जो वहाँ ध्यान लगाने गए हुए हैं और ध्यान से ट्वीट भी आ रहे हैं, तो वो भी संकेत यही दे रहे हैं कि देखिए वो कैसे जो है वो सरवाइव करेंगे पॉलिटिक्स में। ध्यान उनका इसमें होगा कन्याकुमारी में जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कभी भी राजीव जी अपोजिशन की पॉलिटिक्स नहीं की, ये सीधे गुजरात की बीजेपी में आपस में विवाद की वजह से पैराशूट से उतारे गए। केशुभाई पटेल के खिलाफ बगावत की, इनको पैराशूट से उतारा गया। उसके पहले नरेंद्र मोदी को कोई नहीं जानता था, गांधी फिल्म आने के पहले महात्मा गांधी को तो लोग जानते थे लेकिन गुजरात दंगों के पहले मोदी साहब को कोई नहीं जानता था। वो इनकी पहचान जो है वहीं से हुई है। तो उसके पहले जब वो दिल्ली में महासचिव थे तो उनका कोई अपोजिशन के लीडर के तौर पर कोई एक्टिविटी नहीं थी,
शकील जी भी थे उन दिनों, हम भी थे, दिल्ली में ही थे। मैं नरेंद्र मोदी को किसी धरने प्रदर्शन में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार के खिलाफ, उन दिनों की सरकार के खिलाफ देखा नहीं। तो नरेंद्र मोदी साहब को अभी बहुत कुछ सीखना है राजनीति में कि विपक्ष की राजनीति कैसे की जाए, और इस ध्यान में उनका जो है वो शायद जिस पे भी फोकस होगा। जहां तक इंडिया गठबंधन की पार्टियों की बात है राजीव जी, वो जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की है कि रुझान और संकेत दिखाई दे रहे हैं कि इस बार चुनाव में, चुनाव के रिजल्ट 2014 और 19 से फर्क आने जा रहे हैं जी, बहुत अंतर होगा उन चुनाव के नतीजों में। और उसके हिसाब से अब देखिएगा अगले 24 घंटे में, कल के एग्जिट पोल के बाद, वो एग्जिट पोल की चिंता मुझको नहीं है कि 300 के पार दिखाएंगे या 400 दिखा दें, लेकिन कल के बाद से दिल्ली का मौसम थोड़ा बदलना शुरू होगा। और जहां तक चुनाव आयोग की बात, राजीव जी 8 लोग की जान जा चुकी है चुनाव की ड्यूटी पे जो लोग थे जी, बिल्कुल की वजह से। इसकी सीधी जिम्मेदारी इन तीनों पर है जी, कम से कम राजीव कुमार पे तो है, ये दो लोग, बाकी दो लोग तो बाद में आए थे, एकदम अंतिम समय आए थे, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल की प्रोसेस में शामिल थे ये। तो अभी तक तो यही है, आगे बिल्कुल देखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अभी तक तो यही है। कल सातवें फेज का मतदान और इसके बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन उससे पहले पिक्चर बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। आपको भी लगता है सुनील शुक्ला जी की पिक्चर क्लियर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तस्वीर क्लियर है। और कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे बहुत विपक्ष का जो प्रचार अभियान हो बहुत आक्रामक और बहुत निर्णायक न रहा हो। अनिल जी बिहार की बात कर रहे थे, बिहार की स्थिति जिन संसदीय क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, 2019 में हालात तो एकदम अलग थे, आज एकदम अलग है। कोई भी ऐसा संसदीय क्षेत्र नहीं है जहां पे आरजेडी एक सीट से कम एक सीट से लेकर के सभी सीटों पर कब्जा न किए। बक्सर में सभी सीटों पर उसका कब्जा है, सासाराम में उसका कब्जा है, काराकाट में उसका कब्जा है। कोई ऐसा, यहां तक कि जो पाटलिपुत्र और पटना जैसे संसदीय क्षेत्र हैं, एक एक दो दो सीटें उसके पास है। आरजेडी ने और गठबंधन ने अपनी बहुत ताकत बढ़ाई है, मैं यो 2019 का चुनाव नहीं है, एक भी रैली तेजस्वी की नहीं है, ऐसी नहीं रही है जिससे भारी तादाद में लोग उपस्थित न हो गए। ये जो CPIML का जो प्रचार अभियान चल रहा है, मैं उनका एक वीडियो देख रहा था उनके वेबसाइट पे, ट्विटर हैंडल पे जाके, क्या महिलाओं की सहभागीदारी है और किस तरीके से घर घर गांव गांव जाकर के लोग प्रचार अभियान चला रहे हैं, किस तरह से एकदम कॉम्पैक्ट और बहुत ही संगठित प्रचार अभियान है और लोगों का रिस्पांस किस तरह से मिल रहा है। आप झारखंड की देख लीजिए, झारखंड की जो तीनों सीटें हैं, राजमहल, दुमका और गोड्डा, कोई ऐसी सीट, राजमहल में तो परंपरागत रूप से GMM का कब्जा है, दुमका की सीट ये है कि अगर आप पिछला चुनाव केवल 2019 का चुनाव वहां पे बीजेपी जीती है, शिबु सोरेन वहां 7-8 बार जीत चुके हैं, इस बार भी जिस उम्मीदवार को उतारा है नलिनी सोरेन को उम्मीदवारों के चयन में विपक्ष ने कितना शानदार काम किया है, 5 या 6 बार के MLA हैं और JMM के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता है। गोड्डा में भी कोई ऐसा नहीं था कि बड़ी हार जीत ऐसी, 2014 का रिजल्ट आप देख लीजिए, अगर मतों का विभाजन नहीं हुआ होता तो कुछ तस्वीर अलग होती। 2019 में ठीक है, निशिकांत दुबे का ठीक ठाक जीत मिली है, लेकिन वहां JMM और कांग्रेस ने बड़ी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई विधानसभा चुनाव जी। ऐसा भी नहीं कि कोई तरफा उनके पास हो कि एक तरफा राजनीतिक आधार हो, तो कोई ऐसा राज्य नहीं राज्य सातवें चरण में, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे बिहार, चाहे झारखंड, चाहे पश्चिम बंगाल, जहां पे मजबूती के साथ विपक्ष लड़ा हो और भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती न प्रस्तुत की, मजबूत चुनौती न प्रस्तुत की। बनारस को भी कोई एकतरफा तो नहीं मान सकता, मनीष जी के पास सहमत हो कि एकतरफा चुनाव नहीं है वहां, कोई ये नहीं कह रहा है कि वो एक नारा इस बार नहीं सुनाई पड़ा, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी नारा सुनने के लोग तरस गए। हालत यह है ना कि जो जो मुद्दों के आधार पर विपक्ष ने
अपने प्रचार अभियान को चलाया, इसने लोगों को बड़ी संख्या में अपने ओर आकर्षित किया और चुनाव की पूरी धारा को बदला। इसलिए स्थिति यह है कि मुद्दों के आधार पर चलाया गया चुनाव, गैर भाजपा मतदाताओं का कंसोलिडेशन, लोगों के बीच में अपने को लेकर के जो विचारणीय विषय है उस पर चिंतन मनन, ये बड़े कारण है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दा था उसका बिखराव, हिंदुत्व का असरहीन होना, राम मंदिर मुद्दा न होना, 377 की कोई चर्चा न होना, इस तमाम कारण है कि एक निर्णायक स्थिति में है चुनाव और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी खुद अपने लिए जिम्मेदार है। एंटी इनकम्बेंसी उनके अपने कार्यों की वजह से है। आप नारे लगा करके भावनात्मक माहौल बना करके थोड़ा लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, आपको गवर्नेंस की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों में आपने क्या किया। अगर आप ये कहते हैं कि हमको सत्ता में ला दीजिए, हम पीओके पे कब्जा कर लेंगे, तो आप 6 साल में 10 साल में क्या किए हैं ये बता दीजिए, लोग आपको विश्वास कर लेंगे। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के हमारा अभियान बहुत गंभीरता से चलेगा, 10 साल में कितने भ्रष्टाचारियों को आपने क्या कार्रवाई की ये बता दीजिए। लोगों के सामने तो है कि जिसके ऊपर आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उनको अपनी पार्टी में शामिल किया, उनको सत्ता सौंप दी, तो किस बातों किन बातों पर लोग आपका विश्वास करेंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आखिर विश्वास किस बात पे करें। जरा अनिल सिन्हा साहब, क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा, और क्या आपको लगता है कि जो एग्जिट पोल की बात अभी तक होती रही है, जिसके बारे में अभी प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे कि बड़ा बड़ा दिखाया जाता है और एक तरफा दिखाया जाता है कि बीजेपी जीत रही है, कल भी अगर वैसा दिखाया जाता है कि 300 पार 400 पार के नारे को बुलंद करते हुए एग्जिट पोल दिखाई देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। रिजल्ट की बात तो रिजल्ट वाले दिन हम करेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया जो कहते हैं ना कि क्या वहां पर वो गड़बड़ी नजर आती है, अगर कोई 300 पार 400 पार का नारा आज भी बीजेपी के लिए देता हुआ नजर आए तो। देखिए ये एक बात तो आप समझिए कि जो नैरेटिव बना के चल रहा था अभी तक, उसको आप चाहते हैं कि एक ही दिन में खत्म कर ले। अब अभी तक जो बता रहे थे, जो 398 396 कई कई चैनलों ने 400 के पार भी करा दिया, अब आप चाहते हैं कि एक रिवाइज कर दे। अब वो भी कितना समय हुआ है, अभी मतलब कि 2 महीने भी नहीं हुए हैं जी। ये सब आंकड़े दिखाए गए हैं बीच में, और एक दो चैनल तो मतलब कि अति कर दिया, ऐसा दिखाया जैसे कि एकदम डेसिमेट, कुछ है नहीं, सब भार पीट के घर जाएगा, इस टाइप से किया और बताने की कोशिश भी की कि ये मतदार संघ वो मतलब लोकसभा क्षेत्र वो क्षेत्र, इस टाइप से जो इतना गहन अध्ययन करके, इतना गहन मेहनत करके, गहन अध्ययन नहीं कहेंगे, गहन मेहनत करके जो इतना काम किया है, वो आप चाहते हैं कि एक दिन में रिवाइज कर दे। उनको अगर डाउन, अब जब वोट ये आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा ओरिजिनल, तो उसमें तो उनका हाथ है नहीं कुछ, लेकिन जो रिजल्ट तक अभी तक है टेम्पो डाउन। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा कि वो रिवाइज जरूर करेंगे, मैं इससे थोड़ा सा असहमति रखता हूँ। अगर वो जो डेटा आया होगा, अगर उन्होंने अगर नहीं करते हैं, हमारे यहाँ कम से कम 10 फोन आ चुके हैं कि सुप्रिया सुले कोई ये इनको क्या कहते हैं उनके इनको पवार मैसेज अजीत पवार को दिया है, किसमें किसको वोट दिया है, ये बारामती कंस्टिट्यूएंसी है जो पुणे में जहाँ मैं रहता हूँ जी। और आज भी एक फोन आया था कि आपने मतदान किया या नहीं इस बारे में आप बताइए, तो हमने उसको काट दिया, हम कभी बोले नहीं उनको। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक्सरसाइज चालू है, तो उन्होंने अपना भी कुछ उनको रिजल्ट तो कुछ आया ही होगा, कितना मैनिपुलेट करेंगे। लेकिन एकदम आप चाहते हैं कि नीचे चले आए, वो कुछ आने माने से जैसे कुछ जगहों कुछ इलाके का कुछ दिखाएंगे, कहीं ऐसा इलाका जो अनटच्ड होगा उसको कुछ और दिखाएंगे, इस टाइप से कहीं एडजस्ट जरूर करेंगे, क्योंकि उनको आखिरकार 4 जून को का भी फेस करना है, तो फेस करने के लिए कुछ जगह रास्ता निकालेंगे। वो इतने भी गए मतलब इतने गए बीते मतलब नहीं, इतने भी ये नहीं है मतलब ना समझ नहीं है, मूर्ख कहने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, मीडिया वाले अपने बिरादरी के लोग हैं, लेकिन ना समझ नहीं है, चालाकी तो उन्होंने भरपूर की है। अभी तो आप देख लीजिए कि ये जो इससे मैं सहमत हूँ कि मीडिया, अख्तर साहब ने जो कहा कि मीडिया और चुनाव आयोग, ये इसके बारे में चर्चा करनी ही पड़ेगी और इसके सुधार के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ये देश के सामने एक बड़ी चुनौती है मुझको लग रहा है, जिसको कि आप मुद्दों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझिए,
क्योंकि ये माइंड गेम में उनकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। अभी आज ही 10 कैमरा वाला फोटो जिस तरह चलाते हैं चारों तरफ, तो आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इस माइंड गेम में, और सबसे बड़ी बात कि चाहे मीडिया हो या चुनाव आयोग हो, और मीडिया और चुनाव आयोग के साथ साथ गलबैया करते हुए, मतलब ये दोनों गलबैया करते हुए सरकार के साथ नजर आते रहे, और ये चुनाव अब लगभग बीत चुका है। और कल आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपका इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।